हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसी को आप टॉर्क बोलते हो, उसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हो, उसी को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये जो टॉपिक है ये रोटेशनल मोशन का सेकेंड वीडियो है। रोटेशनल मोशन का फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने रोटेशनल मोशन के फर्स्ट वीडियो में देखा कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। जैसे ये बॉडी है, इसको हमने रोटेट कराया, तो ये सारी बॉडी किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही? इस पॉइंट के अबाउट। रोटेशन है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में हर एक पॉइंट का सर्कुलर मोशन है। देखो, इस बॉडी के सारे पॉइंट किस में मूव कर रहे हैं? सर्किल में, अबाउट दिस पॉइंट। फिर हमने पढ़ा कि रोटेशन में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। जैसे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता था, तो रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में वेलोसिटी लीनियर होती थी, एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती थी। लीनियर में एक्सेलरेशन एटी होता था टेंजेंशियल, एंगुलर में एक्सेलरेशन अल्फा होता है एंगुलर। इसी तरह से आज हमें टॉर्क के बारे में पढ़ना है। तो जरूरत क्या हुई टॉर्क की और टॉपिक क्यों आया, सीखेंगे सबसे सारी बातें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अलक पांडे और हमारा आपका इस दुनिया का उस दूसरे कमरे में मरे हुए चूहे का हम सब का प्यारा चैनल फिजिक्स वाला। और आज का टॉपिक है टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, वो वाला मोमेंट नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, बात करते हैं इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक बार बात करते हैं लीनियर वेरिएबल की और बगल में लिखते हैं एंगुलर वेरिएबल्स की, ठीक है, जो रोटेशन में यूज होंगे एंगुलर वेरिएबल्स। लीनियर जो अभी तक आप देख रहे थे लाइफ में, हमारे पास होता था डिस्प्लेसमेंट एस, एंगुलर में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। हमारे पास वेलोसिटी होती थी वी, एंगुलर में वेलोसिटी होती है ओमेगा। हमारे पास एक्सेलरेशन होता था ए, एंगुलर का एक्सेलरेशन है अल्फा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। करते 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 हमने एक वेरिएबल देखा फोर्स। लीनियर मोशन में वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? फोर्स। फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह से एंगुलर मोशन में या रोटेशन में एक टर्म आता है टॉर्क, टाउ। इसके लिए सिंबल लिखते हैं टॉर्क। ये देखो, इसका टीवी मैंने ऐसे ही बनाया है। क्या सिंबल है? टाउ, टाउ। टॉर्क आएगा तब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी और टॉर्क आएगा तभी एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। यानी जो रोल फोर्स का होता है लीनियर मोशन में, वही रोल टॉर्क का होता है एंगुलर मोशन या रोटेशन में। क्लियर है बात? तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी की वजह से एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ा, उसी वजह से फोर्स की वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है टॉर्क। टॉर्क वो क्वांटिटी जिसकी वजह से कोई घूमती हुई बॉडी की, घूमती हुई बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी तेज हो जाए या धीमी हो जाए, या घूमती हुई बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए। क्लियर? चलिए तो डिस्कस करते हैं कि टॉर्क क्या होता है, कैसे देखते हैं। तो टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स और एक और नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैं यहां पे एक बोल्ट ले रहा हूं, ठीक है, नट खोलने के लिए जिसको यूज करते हैं, उस बोल्ट को मैंने लिया। इस बोल्ट को यहां पे देखो नट लगा है, इस नट को मुझे खोलना है इस बोल्ट से। दिस नट हैज टू बी ओपन, इसको खोलना है। यार खोलने के लिए तुम इस पे फोर्स लगाओगे? ऐसी करोगे ना, इसको घुमाओगे गोल गोल, ऐसी करते ना, कचक 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 मारेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अमाउंट ऑफ टर्निंग आपको चाहिए, जो अमाउंट ऑफ टर्निंग आपको चाहिए, आपको इसे घुमाना है कि नहीं? बिल्कुल घुमाना है नट खोलने के लिए। अमाउंट ऑफ टर्निंग चाहिए, फोर्स लगाओगे कैसे घुमाओगे? फोर्स लगा के घुमाओगे ना, फूक मार के थोड़ी ना घूमेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, खटक कटक कटक। योगा है भाई, करने से होता है ना, तो कुछ करना पड़ेगा ना इसमें। तो फोर्स जो लगाओगे उसी से टर्निंग होगी। तो अमाउंट ऑफ टर्निंग तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। पहला, कितनी फोर्स लगाई। पहला, कितनी फोर्स लगाई, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा घूमेगा। दूसरा, कहां पे फोर्स लगाई, कहां पे फोर्स अप्लाई की आपने, किस जगह पे फोर्स लगाई। तीसरा, किस एंगल पे फोर्स लगाई, किस एंगल पे फोर्स लगा। तीन पॉइंट पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ टर्निंग, या जिसी को आप बोल सकते हो
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझो बात को, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तीन चीज पर डिपेंड करेगा, पहला कितनी ज्यादा फोर्स, दूसरा कहां पे लगाई फोर्स, और तीसरा किस एंगल पे फोर्स। आइए तीनों बातों को हम आपको समझा दें। पहली बात, कितनी फोर्स तो समझ में आ रहा है, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे टॉर्क उतना ज्यादा होगा, टर्निंग उतनी ज्यादा, अमाउंट ऑफ टर्निंग मतलब टॉर्क है कि नहीं। अब जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे अमाउंट ऑफ टर्निंग उतनी ज्यादा होगी, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, कहां पे फोर्स, इसको जरा समझो, कहां पे फोर्स को, मान लो ये वो बोल्ट है और यहां पे इसी बोल्ट को फिर से बनाता हूं, मैंने कहा मेरे पास एक फोर्स है, ठीक है, सपोज कर लो कोई फोर्स है एफ, उस फोर्स को मैंने यहां लगाया एफ को इतने डिस्टेंस पे आर, और उस फोर्स को यहां लगाया मैंने इतने डिस्टेंस पे आर। अब बताओ किस वाले में ज्यादा अच्छी टर्निंग होगी, किस वाले में खूब ढेर सारा घूमेगा, इस वाले में, जितनी दूर फोर्स लगाते हैं उतना इजिली घूमता है। देखा होगा ना आपने कि हम बोल्ट को एकदम बगल से पकड़ के नहीं घुमाते, हम कहां से पकड़ते हैं, एकदम कोने से पकड़ते हैं, तो कोने से पकड़ने में क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होता है। मतलब जितना ज्यादा ये आर होगा टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। इस आर को बच्चों हम बोलते हैं मोमेंट आर्म, क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। तो भैया आर जितना बड़ा टॉर्क उतना ज्यादा या टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा, क्लियर है। जितनी दूर जाओगे कहां से, पाइवेटेड पॉइंट से, कहां से, पाइवेटेड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से, यहीं से तो फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रही है, ये बाहर निकलती हुई प्लेन से और अंदर जाती हुई प्लेन के, इसी के अबाउट तो ये गोल गोल घूम रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसी ऐसी तो घूम रहा है इसके गोल गोल। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर फोर्स लगाओगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, मोमेंट आर्म जितना बड़ा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, क्लियर। तीसरा पॉइंट, किस एंगल पे फोर्स लगाएं, किस एंगल पे, इसका क्या मतलब है जरा समझो। मान लो मेरे पास फिर से यही बोल्ट है और इस पे मैं फोर्स ऐसे लगा दूं एफ, इस तरह से, ठीक है, यहां से थीटा एंगल पे, तो इस एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर एफ कॉस थीटा, एक ऊपर एफ साइन थीटा। आप मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट इस बोल्ट को घुमा रहा है, क्या एफ कॉस थीटा की वजह से ये बोल्ट घूमेगा, नहीं घूमेगा, एफ कॉस थीटा से खींच रहा है, क्या एफ कॉस थीटा की वजह से ये बोल्ट घूम पाएगा, भाई ऐसे लगा हुआ है ये, तुम इसको इस तरह से खींचोगे, एफ कॉस थीटा ऐसी तो खींच रहा है इसको, तो क्या उसकी वजह से ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा, मतलब ये रोटेशन में हेल्प नहीं करता। क्या एफ साइन थीटा की वजह से ये रोटेट करेगा, बिल्कुल, एफ साइन थीटा ऊपर ऐसे मारेंगे खटक, यहां से पकड़ के खटक घूमने लगेगा। मतलब एफ साइन थीटा जितना ज्यादा होगा टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, एफ साइन थीटा जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। तो तीसरी चीज जो ये डिपेंड कर रहा है वो है एफ साइन थीटा पे, या डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो थीटा पे, भाई थीटा जितना ज्यादा होता है साइन थीटा की वैल्यू उतनी बड़ी होती है। जितना बड़ा थीटा लोगे, देखो जितना बड़ा थीटा लोगे फोर्स उतनी परपेंडिकुलर होती जाएगी, और तुम तो चाहते ही हो कि फोर्स कैसी मिले, परपेंडिकुलर, क्योंकि वही घुमा सकती है, ये वाली फोर्स घुमा नहीं सकती है। क्लियर हुई इतनी बात, पक्का क्लियर हुई, एफ साइन थीटा से घूमेगा कॉस थीटा से नहीं घूमेगा, तो आप चाहते हो थीटा जितना हो उतना बड़ा। तो इन सब बातों को मिला के हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला है आर जितना बड़ा और एफ साइन थीटा जितना बड़ा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, बोल सकते हैं आर जितना बड़ा, एफ जितना बड़ा, साइन थीटा जितना बड़ा, तीनों फैक्टर आ गए कि नहीं, एफ जितना बड़ा, आर जितना बड़ा, और तीसरा वाला हम बोल दें कि थीटा जितना बड़ा, कह सकते हैं ना टॉर्क उतना, तो आर एफ साइन थीटा, क्लियर है। इसको एक दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं कि मान लो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपने यहां पे फोर्स ऐसे लगाई एफ, इस फोर्स के बच्चों दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स का ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गया किसके, मोमेंट आर्म के, ये मोमेंट आर्म कहलाएगा, ये वाला कंपोनेंट मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर, और ये वाला कंपोनेंट बच्चों इधर वाला कंपोनेंट, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक एफ कॉस थीटा एक साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर और ये वाला कंपोनेंट मोमेंट आर्म के पैरेलल, तो आप समझ रहे हो एफ पैरेलल कैन नॉट
produce torque. कौन प्रोड्यूस करता है? F perpendicular. तो आप एक फॉर्मूला टॉर्क का ये भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू F perpendicular. कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से टॉर्क बनेगा? F perpendicular से. तो R को मल्टीप्लाई कर दो F perpendicular से. F parallel का कोई रोल नहीं है. क्लियर है इतनी बात? अच्छा, तो इतना नोट करें, पहले नोट कर लें. यही फॉर्मूला है जो अभी नोट करने लायक था. टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या आर इंटू एफ साइन थीटा. इसमें एक चीज समझो, थीटा कैसे सेलेक्ट करना है, थीटा को किस तरह से सेलेक्ट करना है, इसी में कंफ्यूजन होती है. जैसे यहां मैं एक बॉडी बना लेता हूं, ठीक है, ये एक बॉडी मैंने बना ली. मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, पी पॉइंट पे, ठीक है, और फोर्स कुछ ऐसे लग रही है F. तो आपको क्या करना है, मान लो यहां पे ये पॉइंट बॉडी पाइवेटेड है, ये पाइवेटेड है. पाइवेटेड पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वहां तक एक लाइन खींचनी है, और उसी लाइन को आगे बढ़ा के आपको बोलना है दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस या मोमेंट आर. मोमेंट आर्म है तो यहां से यहां तक की वैल्यू आर है, तो ये वैल्यू आर, पर आपको ये डायरेक्शन समझना चाहिए मोमेंट आर्म का, कि इस तरफ नहीं, इस तरफ. अब एंगल आपको मोमेंट आर्म से फोर्स की तरफ लेना है, थीटा. क्लियर है? यानी आप रेडियली आउटवर्ड जाकर, रेडियली आउटवर्ड जाकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आकर थीटा मेजर करो. किताबों में ऐसे लिखा होता है. अच्छी, मैं तुमको फील दे रहा हूं यार, फील सिंपल समझो, कि यहां से कैसे क्लाइन आके बनाना, फोर्स और उसके बीच का एंगल देख लेना. एंटी क्लॉकवाइज क्यों? ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे ना, रेडियली बाहर की तरफ भागकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके एंगल लेना. एंगल लेने का तरीका बता रहे थे. अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ बोलो एफ कॉस थीटा, एक इस तरफ बोलो एफ साइन थीटा. टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? एफ कॉस थीटा की एफ साइन थीटा? एफ साइन थीटा. अच्छा, एफ कॉस थीटा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा टॉर्क, बताओ. सर फील है, हमें फील आ रहा है कि एफ कॉस थीटा से खींच रहा है और उसकी वजह से टॉर्क नहीं बन सकता. क्यों? रीजन सुनो, रीजन, रीजन. सिंस एफ कॉस थीटा पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिंपल रीजन है, दैट्स व्हाई टॉर्क ऑफ एफ कॉस थीटा कम्स आउट टू बी जीरो. कोई फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रही है, ये बाहर आती हुई अंदर जाती हुई, बाहर आती हुई अंदर जाती हुई, कोई फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो उसका टॉर्क जीरो. या और सिंपल शब्दों में, सिंस एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू आर, आर वेक्टर यानी मोमेंट आर्म के अगर कोई फोर्स पैरेलल हो जाए तो उसका टॉर्क जीरो होता है, मतलब वो बॉडी को घुमा नहीं सकती. एफ कॉस थीटा ऐसे, आर वेक्टर भी ऐसे, दिख रहा है, आर वेक्टर भी ऐसे, एफ कॉस थीटा भी ऐसे. क्लियर हो गया? तो किस फोर्स से टॉर्क नहीं बन सकता? वो फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही हो, या वो फोर्स जो आर वेक्टर के मोमेंट आर्म के पैरेलल हो. थीटा कैसे लेना है? कुचुक ऐसे आगे बढ़ा के, कुचुक ऐसे. टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, या तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर. क्लियर? अच्छा बच्चों, ये बात लिख ली है. टॉर्क कब जीरो होगा? जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए या फोर्स आर के पैरेलल हो. बच्चों टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. अपन स्केलर में खेल गए सारा, है ना, और ये प्यार था वेक्टर का. यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू, नया फॉर्मूला नोट करेंगे, नोट डालेंगे बच्चों, नया फॉर्मूला नोट में डालेंगे. टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ वेक्टर. यार क्रॉस करने में क्या आता था, याद है? आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप. याद आया?
एन कैप क्या है सर? एन कैप क्या होता था? इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। याद आया? नहीं याद आया, हम याद दिलाते हैं सिंपल भाषा में। मान लो ये हमारा वही प्यारा कुछ बोल्ट, ठीक है, उसेन बोल्ट, और इस बोल्ट पे लग रही है यहां से फोर्स, मानने लग रही है ये फोर्स ऐसे, और यहां से आर हो जाएगा ऐसे। अब हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या है? आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप किस लिए आया है? एन कैप आया है डायरेक्शन के लिए। भैया टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास क्या होगा? कुछ ना कुछ अब डायरेक्शन होगा। ये तो हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। एन कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का सिर्फ दुनिया में एक काम, यूनिट वेक्टर का दुनिया में सिर्फ एक काम जो कि होता है डायरेक्शन देना। तो एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ। देखो ये प्लेन है आर और एफ का, आर एफ का प्लेन ये है, इसके परपेंडिकुलर होगा टॉर्क, या तो बाहर या तो अंदर। टॉर्क इस प्लेन में नहीं होता, जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो इस प्लेन में नहीं होता, वो या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर या परपेंडिकुलर अंदर। मैं तुमको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, तुमने शायद पिछला वीडियो देखा हो रोटेशनल का, ओमेगा थीटा अल्फा तीनों का डायरेक्शन क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है? अगर कोई बॉडी घूम रही है तो ओमेगा ऐसे होता है क्या? नहीं, ओमेगा होता है किस पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अल्फा का डायरेक्शन क्या होता है? अल्फा क्या ऐसे घूम रहा है तो अल्फा ये होता है? नहीं, अल्फा भी कहां पे होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अल्फा एक वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, किस पे लाई करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। उसी तरह से टॉर्क एक वेक्टर है जो किसके अलोंग होता है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है? कू बाहर कू अंदर, यही है ना, यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बोल्ट घूम रहा है जूम 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 जूम। सो टॉर्क का जो वेक्टर है वो या तो इस एक्सिस पे बाहर होगा या तो अंदर। पता कैसे लगाओगे? क्रॉस प्रोडक्ट का रूल आता होगा शायद तुमको। यहां पे एक स्क्रू रखोगे और स्क्रू को वेक्टर ए से वेक्टर बी घुमाएंगे, पढ़ा होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, स्क्रू रूल। यहां पे स्क्रू रखो और ए से बी घुमाओ। यहां पे ए कौन है? आर। बी कौन है? एफ। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका याद है? ए क्रॉस बी। कौन सा रूल लगाते थे हम? स्क्रू रूल। ओह माय गॉड, आई एम सो स्क्रूड। स्क्रू रूल, ए से बी की तरफ जाना है। यहां ए कौन है? आर। बी कौन है? एफ। तो ए से बी की तरफ, सो आर से एफ की तरफ। स्क्रू खुल रहा है कि बंद हो रहा है? आर से एफ खुल रहा है। खुल रहा है तो स्क्रू किधर आएगा? बाहर। आर से एफ खुल रहा है ना, स्क्रू खुलता जाता है ना इस तरह से, ये देखो बढ़ गया, यानी बाहर आ रहा। मतलब टॉर्क यहां पे कैसे होगा? आउटवर्ड। टॉर्क कैसा होगा? आउटवर्ड। या ऐसा सेक लो कि अपना राइट हैंड का पाम ले लो और राइट हैंड के पाम को ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, जिधर थंब पॉइंट करे वो होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। मतलब राइट हैंड का पाम ले लो और फिंगर्स को आर से एफ की तरफ कर्ल करो, जिधर राइट हैंड का थंब पॉइंट करे दैट विल बी टॉर्क। तो यहां पे आए हमने, राइट हैंड रखा, आर से एफ की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड रूल, या तो स्क्रू लगाओ या तो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, दो रूल है निकालने के लिए। वही वेक्टर वाला यार, क्या इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो आर से एफ फिंगर्स को कर्ल किया तो देखो थंब बाहर है तो टॉर्क किधर है? आउटवर्ड। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों आउटवर्ड टॉर्क है और आउटवर्ड टॉर्क को हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोलते हैं और कन्वेंशन है इसको पॉजिटिव लेने का। दूसरा टॉर्क अपने आप समझ के कौन सा होगा? इनवर्ड टॉर्क। उसको कैसा लेंगे? क्लॉकवाइज, और कन्वेंशन है नेगेटिव लेने का। दूसरा टॉर्क भी देखना है सर हमको, आओ देखो। हिंगिंग अटिंग हिंग डिडिंग डिडिंग। मान लो ये फोर्स ऐसे लग रही है एफ ऊपर से नीचे की तरफ और ये अपना आर वेक्टर बाहर की तरफ। अब R क्रॉस F, तो राइट हैंड का पाम खोला, कहां से कहां घुमाना है? R से F की तरफ, नहीं ऐसे नहीं, छोटे एंगल पे R से F की तरफ छोड़, ये नहीं कि R से लेके F ऐसे घुमा दिया, लीजिए सर R से F घुमाओ अलोंग द स्मॉलर एंगल। छोटी छोटी बातें हैं, पता चला तुमने पकड़ लिया कि R से F, तो R से F ऐसे घुमा दिया, लीजिए सर ये R से F घूम गया और टॉर्क अंदर, छोटे एंगल पे।
तो यहां पे आर से एफ घुमाने के लिए इस वाले एंगल पे घुमाना है, ये नहीं कि उठा के आर से ऐसे घूमते हुए एफ पे पहुंच गए, छोटे एंगल पे, ये छोटा एंगल है आर एफ के बीच में, तो यहां पे गए आर से एफ, थंब किधर है अंदर, मतलब टॉर्क कैसा हुआ इनवर्ड, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, आर से एफ, आर से एफ, जूम जूम, कैसा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज तो कन्वेंशन है नेगेटिव लेने का। तो ये टॉर्क के बारे में सारी बातें हमने आपको बताई, क्रॉस प्रोडक्ट से भी फॉर्मूला वही आ रहा है जो हम सोच रहे थे, एनालिटिकली सोच सोच के हमने जो चीज बनाई थी वही क्रॉस प्रोडक्ट भी दे रहा है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, टॉर्क का डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड का पाम खोलो, आर से एफ की तरफ घूमो, देखो कैसे घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहे हो, आर से एफ भागना है हमेशा, आर से एफ एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड, और आर से एफ भागते वक्त क्लॉकवाइज तो इनवर्ड, राइट हैंड का पाम लो, फिंगर्स को कर्ल करो आर से एफ, फिंगर्स को कर्ल करो आर से एफ, जिधर थंब आया वो टॉर्क। दो केस है, दोनों में तुम ध्यान दो तो टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आता है, ये देखो टॉर्क ऐसे बाहर आया और यही एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आता है और आना चाहिए, तभी बॉडी रोटेट करेगी। इस बात को कहीं नोट बना के लिख लो, इसमें मैं लिख नहीं पा रहा, नोट, द कॉम्पोनेंट ऑफ टॉर्क लिख लो पहले, फिर बाद में सब, ये लेक्चर के काफी बाद में बात बताऊंगा मैं, अभी नहीं, द कॉम्पोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, द कॉम्पोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन ओनली प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, द कॉम्पोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन ओनली प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, क्लियर, मिटा दें, वही कॉम्पोनेंट टर्निंग इफेक्ट बनाता है, इसको समझाएंगे थोड़ी देर बाद अभी और अच्छे से, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि टॉर्क कैसा होना चाहिए अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क का फॉर्मूला समझ में आ गया, कुछ हल्की फुल्की चिंदी मिंदी बातें समझ में आ गई। चलो मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के बताना आप अपने आप, यहां पे इसको मैंने पाइवेट कर दिया, इस जगह पे एक फोर्स इधर लग रही F1, एक फोर्स इधर लग रही F2, एक फोर्स इधर लग रही F3, एक फोर्स ऊपर लग रही F4, एक फोर्स नीचे लग रही F5, एक फोर्स इस पे लग रही F6। क्वेश्चन है, सब लोग सोच के आंसर देंगे, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4 इक्वल टू F5 इक्वल टू F6 ऑल इक्वल टू 10 न्यूटन। यहां से पिंगा, ये डिस्टेंस मान लो कुछ R है, दिया नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि सारी फोर्सेस की वजह से आप टॉर्क का डायरेक्शन बताओ कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्स है F1, फोर्स है F2, F3, F4, F5, F6, आपको बताना है इन सब का टॉर्क क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है या है ही नहीं, एक बार खुद से ट्राई कर लो, एक मिनट की बात है जल्दी से। और एक क्वेश्चन और है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉर्क किसका होगा, ये भी सवाल है इसमें से, F1, F2, F3। चलो स्टार्ट करें F1 से, F1 आप देख रहे हो R के पैरेलल है, जैसे R है वैसे F1 है, F1 किससे पास कर रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सो F1 का टॉर्क कितना होगा बच्चों, जीरो होगा, क्लियर। F2 की बात करें, ये रहा F2, F2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर cos थीटा एक इधर sin थीटा, कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, F2 का sin थीटा वाला, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा क्या, ये वाला नहीं, डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का, ये F2 का कंपोनेंट इधर आया, अब ये कैसे घुमाएगा सोचो, अपने आप बस सोचो, फोर्स ऐसे लग रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जरूरी नहीं आर क्रॉस एफ, बिना आर क्रॉस एफ की जल्दी से एनालिटिकल है यार, F2 का ये वाला कंपोनेंट घुमाएगा ना, सोचो दिमाग में, F2 का ये कंपोनेंट जो आएगा ये वाला, यही तो घुमाएगा, ये वाला तो नहीं घुमाएगा, ये कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसे जा रहा है, सुकू 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 ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, तो सीधा आंसर क्लॉकवाइज, खत्म। अरे यार तुमको पता है F2 का ये कंपोनेंट नहीं घुमा सकता, ये घुमा सकता है,
अब जरूरत थोड़ी ना उसमें चाहो तो कर लो, चलो चलो देखो ये F2 का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है ना, और ये R वेक्टर, चलो अब अपनी तुम संतुष्टि के लिए कर लो। R क्रॉस F, R क्रॉस F कैसा है? क्लॉकवाइज वो दिख जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, कैसा घुमाए इस फोर्स को कुछ कैसे घुमाएगा ना, क्लॉकवाइज खत्म। नेक्स्ट आ जाओ F3 पे, F3 का ये कंपोनेंट नहीं घुमाएगा और F3 का ये कंपोनेंट घुमाएगा, F3 का एक कंपोनेंट नहीं घुमा पाएगा, 10 में से कुछ कंपोनेंट चला गया नहीं घुमा पाया, 10 में से बचा हुआ कंपोनेंट घुमाएगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये F3 फोर्स का वो कंपोनेंट जो घुमा रहा है, किधर घुमाएगा बोलो, ये पकड़े हुए इधर एंटी क्लॉक वाइज, बना के देखना है देख लो। ये F3 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये R वेक्टर बढ़ा दिया R से F, R से F स्मॉलर एंगल में, R से F ये बड़ा एंगल हुआ, ये स्मॉलर एंगल, R से F कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। F4 पे आते हैं, F4 भी इसी तरफ लग रहा है, कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, कोई डाउट है? ये F4 ये R वेक्टर, R क्रॉस F4 कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। F5 पे आओ, F5 ऐसे R ऐसे, R क्रॉस F5 क्लॉकवाइज। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये F5, सोचो अपने दिमाग में कैसे ये घुमा सकता है बॉडी को, ऐसे खींचोगे क्लॉकवाइज, सो F5 क्लॉकवाइज। लास्ट में F6, F6 कहां पे लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या पाइवेटेड पॉइंट पे, है ना, यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पाइवेटेड पॉइंट, तो भाई तब तो टॉर्क कितना होगा, जीरो। जो चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या पाइवेटेड पॉइंट पे लग जाए उनका टॉर्क जीरो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही ना ये F6। अब लार्जेस्ट टॉर्क पूछा है किसका होगा, इसका तो टॉर्क जीरो, तो इनकी तो बात खत्म, बचे ये चार में से डिसाइड करना है। देखो F3 की वैल्यू कितनी है, 10 में से कुछ कंपोनेंट तो इसका इधर चला गया, वो तो खराब हो गया, टॉर्क नहीं बना पाएगा। जैसे F2 की बात करें, इसकी वैल्यू भी 10 थी, इसका कुछ कंपोनेंट तो इधर चला गया जो कि टॉर्क नहीं बना पाएगा, बचा हुआ कंपोनेंट टॉर्क बनाएगा। F4 और F5 को देखो, ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर है, मतलब इनका सारा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में है, सारा का सारा कंपोनेंट टॉर्क बना रहा है, मतलब F4 एंड F5 विल हैव लार्जेस्ट टॉर्क, दोनों के पास 10-10 वैल्यू है, डिस्टेंस दोनों का बराबर है। फोर्स जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर हो, देख रहे थे ना आप, F sin थीटा जितना बड़ा हो टॉर्क उतना ज्यादा, फोर्स जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर टॉर्क उतना ज्यादा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर थी, इनका टॉर्क सबसे हाईएस्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? पक्का बोल भाई, क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे टॉर्क के कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे पास मेरे ख्याल से क्लियर हो गए हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं। मान लीजिए ये कोई एक डिस्क है और यहां से हमने इसको फिक्स कर दिया, पाइवेट कर दिया, इसका रेडियस है मान लो 2 meters, और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दी जस्ट इस पॉइंट पे 10 newton की। हमसे पूछा टॉर्क की वैल्यू बताओ, तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। यहां देखो रेडियस भी है, फोर्स परपेंडिकुलर भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो सीधा आंसर 2 × 10 कितना हो गया 20 newton meter। डायरेक्शन कोई पूछे कैसा है तो लॉजिक से सोचो, ये फोर्स यहां मारेगी, बॉडी यहां पे फिक्स है। अब लॉजिक सोचो, आर क्रॉस एफ की जरूरत ही नहीं, ये यहां पे रुकी हुई है, अब इसको इधर से पटाक से मारोगे तो कैसे घूमेगी ये फोर्स, इसको कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी शिक 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 शिक, मतलब कौन सा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब चाहो तो इसको माइनस भी लिख सकते हो, चाहो तो लिख दो 20 newton meter क्लॉकवाइज। हलवा हलवा सवाल है, जैसे मान लो ये एक सवाल है कि ये मेरे पास यहाँ पे ये फिक्स्ड है ये बार, और मेरे पास यहाँ मान लो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की एट एन एंगल ऑफ 37 degree, और ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है मान ले 1 meter का है, हमसे पूछा टॉर्क कितना है, ठीक है, तो टॉर्क निकालने के लिए इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ 10 cos 37, इससे तो काम बनेगा नहीं, कौन सा कंपोनेंट घुमाएगा ये वाला 10 sin 37, तो अपन सिंपल यानी फोर्स ले ले R into F sin थीटा लगा सकते हैं, R कितना है 1, 10 × sin 37, बच्चों 37 sin 37 की वैल्यू याद है, ये 37 वाला ट्रायंगल ये कितना होता है, 37 वाला ट्रायंगल याद है ये कितना, अरे छी गंदा कर दिया सर आपने, 37 वाले ट्रायंगल में ये कितना होता है 3, ये 4, ये 5, यहां से sin 37 3/5, तो sin 37 1 × 10 × 3/5, 5 × 2 = 10, 2 = 6, कितना आया 6 newton meter। डायरेक्शन कोई पूछे तो देखो यहां से फिक्स्ड है और फोर्स ये वाली घुमा रही है,
एफ साइन थीटा वाली, यहां से फिक्स्ड है आप इसको ऐसे मारोगे या यहां से फिक्स्ड है आप इसको ऐसे मारोगे, कैसे घूमेगा सर ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में घूम रहा, ये कौन सा डायरेक्शन है एंटी क्लॉक वाइज। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, हलवा सवाल, यहां से बांधा ऐसे मारा तो एंटी क्लॉक वाइज, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आप खुद से ब्रेक करके दिखाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं आप खुद से करके दिखाओगे। तो अगला सवाल है, यहां पे हमारे पास एक बॉल है जो कि 1 मीटर लंबे धागे से टंगी हुई है, इस बॉल का मास है 1 केजी, ये 1 केजी की बॉल हमने यहां से टांग दी 1 मीटर के धागे से, फिर मैंने इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और ले गया मैं इसको यहां पर, 1 केजी की बॉल 1 मीटर के धागे से बंधी है, मैं इसको 30 डिग्री ऊपर लेके चला गया, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं एक्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट एक्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट एक्स, ऐसा करो बल्कि फाइंड द टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन 1 केजी अबाउट एक्स, ऑल फोर्सेस ऑन 1 केजी अबाउट एक्स। तो चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, जल्दी से आप ट्राई करिए, ए बी सी डी, ऑप्शन है 10 न्यूटन मीटर, 6 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर, 7.5 न्यूटन मीटर, ट्राई करिए। चलिए जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, टेक जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको 1 केजी पे लगने वाली सारी फोर्सेस का टॉर्क निकालना है जब 1 केजी यहां पे है, ठीक है, इस पोजिशन को भूल जाओ, यहां पहुंच गया 1 केजी, इस पॉइंट पे 1 केजी के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का टॉर्क अबाउट पॉइंट एक्स, ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, एक बार आखिरी मौका है, ट्राई कर लो, मैं जा रहा, ओके। सो द आंसर इज 5 न्यूटन मीटर। कैसे करेंगे, इस पे लगने वाली फोर्सेस देखो, एक फोर्स नीचे की तरफ एम जी यानी 1 × g ग्रेविटेशनल, एक फोर्स लगेगी इसमें टेंशन की ऐसे टी, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम पॉइंट, दो फोर्सेस हैं दोनों की वजह से टॉर्क हो सकता है। टेंशन फोर्स देखो किस पे है, किससे पास कर रही है पाइवेटेड पॉइंट से, या जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से पास कर गई। सो टॉर्क ड्यू टू टेंशन टी कितना हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो कि आर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स थी, टेंशन फोर्स देखो सीधा किस पे जा रही है, पाइवेटेड पॉइंट पे, तो इससे तो टॉर्क नहीं बनेगा। दूसरी फोर्स है एम जी, इसकी वजह से टॉर्क बनेगा। अब सोचो कैसे बनेगा, ये हमारा हो गया आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, आर वेक्टर यहां से लेते हैं किधर, आउटवर्ड है ना, ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया फोर्स वेक्टर, बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, टॉर्क का फॉर्मूला बोलो आर एफ साइन थीटा, आर की वैल्यू बोलो कितनी है 1 मीटर, ऐसे लेंगे ना आर, यहां से ऐसे बाहर निकल गया, एफ की वैल्यू बोलो 1 × g sin 30, तो भाई कितना हुआ 1 × g की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कितना आया 5 न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी, बोलो क्लियर। अच्छा इसको एक और लॉजिक, ये लॉजिक समझ में आई, टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, क्या किया मैंने, आर को पाइवेटेड पॉइंट से लेते हैं और आउटवर्ड, ये हो गया आर, ये हो गया एफ, डायरेक्शन कोई पूछे आर कि भैया किधर घुमाएगा ये, तो दिमाग में खुद सोचो कि ये किस तरफ घुमाएगा, ये आर ये एफ, ये आर ये एफ, तो आर से एफ की तरफ घूमते हैं, आर क्रॉस एफ, टॉर्क का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या था, आर क्रॉस एफ, तो आर से एफ की तरफ घूमो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखो ना इनवर्ट टॉर्क, आर से एफ राइट हैंड की फिंगर्स कॉल किया, टॉर्क अंदर गया, तो टॉर्क हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज या इनवर्ड या नेगेटिव, क्लियर है। और कैसे निकाल सकते थे यही टॉर्क, जरा इसको मिटा देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखो, इसको मिटा देते हैं, चलो टेंशन की वजह से टॉर्क 0 है तो उसको तो सोचना ही नहीं है, इसका टॉर्क कितना आ रहा है, 0 आ रहा है टेंशन वाले का, ठीक है। अब देखो इस 1 केजी के दो कॉम्पोनेंट कर लें, 1 केजी के दो, सॉरी 1 × g कितना हो गया 10, नीचे कितनी फोर्स आएगी 10 न्यूटन, 1 × g, यस और नो यार, 10 न्यूटन है ना। अब इस 10 न्यूटन के दो कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट ऐसा एक कॉम्पोनेंट ऐसा, ये एंगल कितना हो गया 30, तो ये भी 30, तो ये वाला हो जाएगा 10 cos 30 और ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा 10 sin 30। अब मुझे बताओ
इस पॉइंट के अबाउट कौन सी फोर्स घुमा पाएगी, कौन सी फोर्स नहीं घुमा पाएगी। मेरे ख्याल से ये फोर्स तो बॉडी को रोटेट नहीं कर सकती, ये तो खींच रही है, कौन घुमा पाएगा? 10 sin 30। तो दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स, दिस इज डिस्टेंस आर, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं ना, ये फोर्स घुमा पाएगी क्या बॉडी को? ये तो खींच रही है ना यार, ये तो किससे पास कर रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। किससे पास कर रही है? पिवोटेड पॉइंट से। ये फोर्स है पूरी पूरी परपेंडिकुलर, आर की वैल्यू 1 इंटू 10 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 10, 5 न्यूटन मीटर। क्लियर है? क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। अब मान लो एक से ज्यादा फोर्स हो जाए, क्या हो जाए? एक से ज्यादा फोर्स हो जाए, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार, वेक्टर एडिशन है ना, सिंपल। जैसे एक सवाल ले लेता हूं, यहां मान लो मेरे पास कोई एक व्हील है, यहां पे ऐसे फिक्स्ड है, एक फोर्स मैंने यहां से लगाई 20 न्यूटन की, एक फोर्स मैंने यहां से लगाई 10 न्यूटन की, और इसका रेडियस है 2 मीटर्स। हमसे पूछा फाइंड करिए कि नेट टॉर्क बॉडी पे कितना लग रहा, नेट टॉर्क बॉडी पे कितना लग रहा। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखना है जितना क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव, जितना एंटी क्लॉकवाइज उसको पॉजिटिव, या जो भी चाहो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। चलो अब सोचते हैं, ये 20 न्यूटन की फोर्स 2 मीटर का डिस्टेंस, ये आर हो गया, ये एफ हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल हैं। सो यहां की वजह से टॉर्क कितना बढ़ेगा? 20 इंटू 2, टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन कितना बनेगा? 20 इंटू 2 कितना? 40 न्यूटन मीटर। आर लिया, एफ परपेंडिकुलर है ही आर के, तो कोई टेंशन नहीं है, आर एफ साइन थीटा लगा दो, साइन 90 की वैल्यू 1 नहीं आ रहा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ये फोर्स परपेंडिकुलर है ना, या आर एफ थीटा कितना दिख रहा है? 90, साइन 90 भी 1 होता है, तो आर इंटू एफ ही आएगा। आर कितना है यार देखो अब, 2, एफ कितना है 20, हलवा सवाल है सब, 40 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज सोच लो, इसको यहां से पकड़ लिया आपने, ऐसे फोर्स लगाई, ऐसे खींचा इसको आगे, यहां से पकड़ के ऐसे खींचोगे, कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। यहां से पकड़ के ऐसे खींचो, कैसे घूम रही? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब आ जाओ टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन, फिर से आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर कितना है 2, एफ कितना है 10, कितना आया 20 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन सोचो, यहां से पकड़ के आप ऐसे खींच रहे हो, यहां से पकड़ के ऐसे खींचोगे, मान लो एक रस्सी बंधी है उससे इसको खींच रहे हो, सुर ऐसे घूमेगी कि नहीं? कैसे? ऐसे खचीक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा टॉर्क बड़ा है? क्लॉकवाइज बड़ा है। तो नेट टॉर्क निकालना है, तो नेट टॉर्क के लिए क्या करोगे? 40 माइनस 20, 20 न्यूटन मीटर, कैसा? क्लॉकवाइज। समझ में आ गई लॉजिक? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, देख लो कितना टॉर्क क्लॉकवाइज है, कितना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? वेक्टर की तरह खेलना है, मतलब अगर नेट टॉर्क निकालना है तो वेक्टर की तरह खेलना होगा, टाउ 1 प्लस माइनस टाउ 2 प्लस माइनस टाउ 3, दिस वे यू कैन गेट नेट टॉर्क। लॉजिक एकदम क्लियर हो गई नेट टॉर्क निकालने की, बहुत बढ़िया। चलिए जो अपने पास अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अ फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस k इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, इस जगह पे फोर्स लग रही है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट दिस, इसके अबाउट निकालना है। आप देख रहे हो वेक्टर फॉर्म में चल रहा है क्वेश्चन, तो हम टॉर्क कैसे निकालेंगे इस बार? r क्रॉस f करके निकालेंगे। f तो हमें दे रखा है, r नहीं दे रखा। r क्या होता है बच्चों? r इज द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट o टू पॉइंट p। o पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना हो, P वो पॉइंट जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है? जब टॉर्क निकालना है R क्रॉस F, तो R वेक्टर कैसे बनता है? O पॉइंट से P पॉइंट की तरफ जो वेक्टर हो उसको R वेक्टर कहते हैं, ये वाला लेंथ। O जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, P जहां पे फोर्स लग रही है। R वेक्टर को हम लिखते कैसे? हम लिखते हैं RP माइनस RO। आप यहां पे बताओ इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो ये P पॉइंट हुआ जहां पे फोर्स लग रही, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, तो ये हो गया O पॉइंट। सो वेक्टर R कैसे निकलेगा? RP माइनस RO, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 1 आई है, ये 0 आई है, है ना, ये i j k, 1 आई माइनस 0 आई कितना हो गया? i कैप। 2j माइनस j कितना हो गया? j कैप, है कि नहीं? 2 माइनस 1 किस में है? j डायरेक्शन में। 2k माइनस 3k कितना हो गया? माइनस k। तो r वेक्टर आपको मिल गया i प्लस j माइनस k, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, i j k।
अब टॉर्क आप निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करना है आर क्रॉस एफ, ये चीज याद रखना, आर पी माइनस आर ओ। थोड़ा सा गलती किया अगर इधर से इधर तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। चलो अब आपको आंसर निकालना है, निकाल सकते हो आप। फोर्स कितनी है मेरे पास, फोर्स है 2i प्लस 3j माइनस के, और r कितना है i प्लस j माइनस के। अब आप टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये सो नो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आता है। यहां पे ऐसे डिब्बा बना लेंगे डिटरमिनेंट वाला, है कि नहीं, यहां लिख लेंगे i j k, टॉर्क का फॉर्मूला बोलेंगे r क्रॉस f। तो पहले r की सारी वैल्यूज, i में कितना है r 1, J में कितना है R 1, K में कितना है R माइनस 1, फिर F की सारी वैल्यू, F I में कितना है 2, J में कितना है 3, K में कितना है माइनस 1। चलिए अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है R क्रॉस F का, तो कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले I वाला कॉलम I वाली रो को हटा दो, I वाला कॉलम I वाली रो को हटा दो और यहां लिख लो I। अब I वाला कॉलम गया, I वाली रो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करोगे तो माइनस वन, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री, ठीक, ये हो गया आई। फिर आओ जे पे, इसको मिटा दूं, समझ में आया, आई को लिया, फिर आई की कॉलम, आई का रो छुपा दिया, ये बचे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जे पे आ जाओ, जे का कॉलम छुपा दो, जे की रो, जे का कॉलम जे की रो, फिर एक आगे बढ़ जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब माइनस वन इंटू टू माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन। फिर के पे आ जाओ बच्चों, के क्या, के का कॉलम के की रो छुपा दो, इसको मिटा दें, यस, के का कॉलम के की रो छुपा दो, फिर आगे बढ़ जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, के का कॉलम के की रो गई, तो आगे बढ़े, इसको इससे, वन इंटू थ्री माइनस वन इंटू, ये आंसर हो गया। देखो कितना आ रहा है यहां से, माइनस वन प्लस थ्री, थ्री माइनस वन टू आई कैप, ठीक है, माइनस टू प्लस वन माइनस जे कैप, सही है, माइनस टू प्लस वन माइनस जे कैप, थ्री माइनस टू प्लस के कैप, तो ये हो गया हमारा टॉर्क। कोई हमसे कहता है मैग्नीट्यूड बताओ टॉर्क का वैल्यू कितना है, तो अंडर रूट आई वाले टर्म का स्क्वायर, जे वाले टर्म का स्क्वायर, के वाले टर्म का स्क्वायर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता था, एक्स वाले का स्क्वायर, वाई वाले स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, फोर वन फाइव वन सिक्स, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है रूट सिक्स न्यूटन मीटर, और वेक्टर फॉर्म में कोई पूछे तो ऐसे बता देंगे। क्लियर हो गया है, पक्का बोलिए, मिटा दें इसको, ओके। अब इसके बाद एक बचा हुआ पॉइंट, जो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हम सिर्फ वो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिर्फ उसी की बात करते हैं हम, यही कंपोनेंट कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, टॉर्क जीरो कब कब हो सकता है, तो आप बोलोगे सर टॉर्क जीरो तब होगा जब फोर्स या तो पैरेलल हो आर वेक्टर के, आपने देख लिया, या तो फोर्स पास कर जाए किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या तो फोर्स जीरो हो जाए, या तो फोर्स पास कर जाए किससे, पाइवेटेड पॉइंट से, है ना, पाइवेटेड पॉइंट से पास करने का मतलब क्या है, अब घर का दरवाजा है, अब दरवाजा जहां से चिपका होता है, मतलब जहां से लगा होता है वॉल से, आप उस जगह से जाओ दरवाजे खोलने की कोशिश करो, नहीं खुलेगा, पाइवेटेड पॉइंट पे ही मारोगे तो कैसे खुलेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो भी, या फोर्स ही जीरो हो जाए, अगला ये भी ऑप्शन है। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप बताना टॉर्क जीरो है कि नहीं, और सोचना आराम से, मान लो ये एक डिस्क है, बढ़िया मस्त प्लेट है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो इस पे एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई, ये हो गया आर वेक्टर, ये डिस्टेंस आर हो गया और ये हो गया वेक्टर आर, बोलो ठीक है, क्या टॉर्क जीरो है, मुझे बताओ क्या टॉर्क जीरो है, नहीं, टॉर्क जीरो कहां हो सकता है, फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं कर रही, फोर्स पाइवेटेड पॉइंट से पास नहीं कर रही, टॉर्क है यार यहां पर,
क्या ये बॉडी इस टॉर्क की वजह से घूमेगी? नहीं, फील हो रहा होगा ना, ये तस्तरी ऐसे रखी है, ये तो ऐसे घूमना चाहती है, सिक 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 सिक, और आप इसको ऐसे मार दिए, खड़िंग खड़िंग खड़िंग, इसकी वजह से थोड़ी ना घूमेगी। ये तस्तरी रखी थी ऐसे, प्लेट ऐसे रखी थी, ये प्लेट ऐसे घूमना चाहती है इस प्लेन में, समझ में आ रहा है? ये रखी है प्लेट, मतलब इस पे फोर्स आपको ऐसे टेंजेंशियली, फोर्स आपको टेंजेंशियली बाहर की तरफ लगाते या अंदर की तरफ मारते, इसको पकड़ के ऐसे नचा देते हम तो घूमता। आपने नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, टॉर्क तो है बट टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। टॉर्क तो है नहीं है टॉर्क, आओ देखो इसके टॉर्क का डायरेक्शन बताओ। अबे आर काउंटेबल, एफ काउंटेबल, एफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं कर रहा, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। टॉर्क तो है यहां पे भाई साहब, पर बॉडी टर्न नहीं करेगी। अब ये क्या कहानी है समझो, इस टॉर्क का डायरेक्शन पता लगाते हैं, कैसे पता लगता था? आर क्रॉस एफ से। तो यार आर से एफ की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कल करेंगे तो थंब देखो किधर आया, बाहर। मतलब टॉर्क कुछ ऐसा है इस प्लेन में, बाहर की तरफ ऐसा है टॉर्क, ये आ रहा टॉर्क। और एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये टॉर्क है बाहर की तरफ आर क्रॉस एफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं आ सकता, क्योंकि टॉर्क परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। भाई इसका कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या आएगा? 90 डिग्री का एंगल है, टाओ कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, मतलब इसका इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। 90 डिग्री का एंगल बना लिया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, टाओ कॉस 90 जीरो, इसीलिए बॉडी घूम नहीं पा रही। तो कहानी समझो, हम टॉर्क के सिर्फ उस कंपोनेंट को देखना चाहते हैं विच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे टॉर्क है कि नहीं है? है। क्या बॉडी टर्न करेगी? नहीं। अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बढ़िया सवाल बन सकता है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते ना इसमें, जिसमें मोर देन वन करेक्ट होते हैं, स्टेटमेंट रीजन वाले, वहां भी आ सकता है स्टेटमेंट रीजन में भी। बोलेगा इफ इफ द नेट टॉर्क ऑन बॉडी इज जीरो, इफ द नेट टॉर्क ऑन बॉडी इज नॉट जीरो, इफ द नेट टॉर्क ऑन बॉडी इज नॉट जीरो, बॉडी विल रोटेट। नहीं हो सकता नॉन रोटेट करे। इफ द नेट टॉर्क ऑफ द बॉडी किसके अलोंग, कॉम्पोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन की जब तक बात ना करे तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। हमें वो टॉर्क कंसिडर नहीं करना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ना हो। हो सकता हो बॉडी पे टॉर्क हो और तब भी बॉडी ना घूमे। और समझाते हैं इसको, ये चीज मिटा रो। चलो देखो, जैसे मान लो ये डिस्क है, मैंने फिर से बना दी, ये अपनी वही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मान लो जो फोर्स लग रही है वो कुछ ऐसे लग रही है, ए मतलब ऊपर नहीं लग रही, एंगल पे ऐसे। मैं आपको यहां एग्जांपल देता हूं, ये अगर डिस्क है तो फोर्स ऐसे ना लग के कुछ ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे लग रही किसी एंगल पे, मतलब फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्क के परपेंडिकुलर, एक डिस्क से हॉरिजॉन्टल, ये डिस्क है ऐसे, तो फोर्स ऐसे कुछ लग रही है, एक कंपोनेंट ऐसे डिस्क को टेंजेंशियली खींच रहा है, एक कंपोनेंट ऊपर, ये देख लो ये डिस्क है, फोर्स ऐसे है, एक कंपोनेंट डिस्क को टेंजेंशियली खींच रहा है, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। सो एक कंपोनेंट ऐसे गया हमारा टेंजेंशियली, मान लो ये एंगल थीटा, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डिस्क, एफ साइन थीटा। मुझे बताओ कौन सी फोर्स का टॉर्क बॉडी को घुमाएगा, एफ कॉस थीटा का या एफ साइन थीटा? मुझे पता है मैंने पहले बोला था एफ साइन, ये दूसरी कहानी है पूरी, समझो इसको। हम दोनों फोर्स को अलग अलग देखें तब आपको शायद फील होगा कि कौन सी फोर्स यहां बॉडी को घुमा सकती है। चलो मैं साइन थीटा कॉस थीटा हटा देता हूं, एक फोर्स का कॉम्पोनेंट ऐसे, इसको मैं एफ वन बोल देता हूं, एक कंपोनेंट ऐसा वर्टिकल वाला F2, इसके दो कंपोनेंट होंगे। चलो आओ देखो कौन सा कंपोनेंट बॉडी को घुमाएगा, सवाल ये है। ये है बच्चों F1, ऐसे लग रहा है टेंजेंशियली पीछे, ये हो गया वेक्टर R। अब R क्रॉस F अपवर्ड, ये डिस्क है, F ऐसे लग रहा है, क्लियर हो रहा है क्या, दिख रहा है ऐसे साइड से, ऐसे लग रहा है F साइड से। तो R क्रॉस F कैसे आया, ऊपर की तरफ आया टॉर्क। आप ध्यान से देखो, टॉर्क इज, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी मस्त घूमेगी। टर्न होगी कि नहीं, टर्निंग इफेक्ट होगा कि नहीं, बोल रहा था बोल, बिल्कुल होगा। ये डिस्क थी और फोर्स ऐसे पीछे की तरफ खींच रहे हो डिस्क को, डिस्क ऐसे घूमने लगेगी, ये डिस्क है इसको तुम ऐसे पीछे की तरफ, अरे यार
ये डिस्क है, आप इसको यहां से पीछे की तरफ खींचोगे तो ये डिस्क गोल गोल घूमने लगेगी। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, देख लो आर से एफ कैसे घूमे एंटी क्लॉकवाइज, डिस्क भी कैसे घूम रही एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये टॉर्क कहां था, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जरा एफ टू की वजह से टॉर्क देखो, ये है फोर्स एफ टू, ये होगा वेक्टर आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क कैसे आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ, यानी टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं दिख रहा, फोर्स ऐसे है F2 वाली जो कंपोनेंट F का, R ऐसे है, R क्रॉस F, टॉर्क ऐसे बाहर की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, तो टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, नो टर्निंग इफेक्ट, नो टर्निंग इफेक्ट। अब मैं समझाता हूं, यानी इस फोर्स की वजह से दो तरह के टॉर्क बने, एक टॉर्क बना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो रोटेशन कराएगा, एक टॉर्क बना एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर जो कि रोटेशन नहीं कराएगा। अब पढ़ो, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो हमें टॉर्क का वो कंपोनेंट देखना होता है जो अलोंग एक्सिस ऑफ, जल्दी ऐसे सवाल आएंगे ही नहीं, ये कंसेप्ट जो एक लाइन में लिखा होता है किताबों में वो समझा रहा हूं। क्लियर हुआ है कि नहीं? ये फोर्स अगर मैं ऐसे ऊपर लगा देता, जैसे ये डिस्क थी, फोर्स मैं ऐसे ऊपर लगा दूं, ऐसे धड़ूम, टॉर्क नहीं फोर्स, धुड़ूम, ये वाला केस धुड़ूम, तो इसका टॉर्क ऐसे बाहर की तरफ आ रहा, ये अंदर जा सकता है, है ना, इधर फोर्स लगाएंगे तो अंदर जाएगा, फोर्स धुड़ूम ऐसे ऊपर लगा दो तो टॉर्क इसका परपेंडिकुलर हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ऐसे बॉडी घूमेगी भी नहीं। देखो इमेजिन करो, फील आया इस वाली फोर्स से, जब ये फोर्स लगाई तो टॉर्क किधर आया, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन और बॉडी घूम गई। क्लियर? नोट कर लें इसको, मिटा दें। ओके, तो बच्चों टॉर्क में एक टॉपिक और आता है जो कि है कि टॉर्क जीरो कब होगा। वो तो आपने पढ़ लिया सर, ठीक है, वो ये ऐसा है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं नहीं वो नहीं, वो बात नहीं, इक्विलिब्रियम वाला टॉर्क, जैसे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो करेंगे और साइड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी करेंगे, दोनों साथ साथ निकालने की कोशिश करेंगे। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या कहानी है? मान लो ये रॉड है मेरे पास, इस रॉड पे मैंने फोर्स लगाई F, मान लो ये डिस्टेंस है R, ठीक है, इस रॉड का ये है सेंटर ऑफ मास, आप फोर्स लगाओगे तो ये रॉड एस्केलरेट करेगा आगे, थोड़ी देर के लिए कहानी भूल जाओ, आप फोर्स लगाओगे तो ये रॉड एस्केलरेट करेगा आगे विद एस्केलरेशन A, रॉड का मास मान लो M, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसका क्या होगा, एस्केलरेशन, टॉर्क की कहानी भूल जाओ, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, एस्केलरेशन, तो हमने लिखा F इज इक्वल्स टू ma, लिख सकते हैं बिल्कुल, दोनों तरफ r r से मल्टीप्लाई कर दो, r into F इज इक्वल्स टू m r into a, यहां तक समझ में आया? मैंने कहा किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, मास इंटू एस्केलरेशन, मैंने दोनों तरफ R R से इस इक्वेशन को, यहां तक समझ में आया, मैंने इसको हटाया, मतलब फोर्स लगाया तो एस्केलरेशन F is equals to ma, दोनों तरफ R R से मल्टीप्लाई, R into F क्या बन गया, टॉर्क। अब सुनो, लीनियर एस्केलरेशन इज इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ एंगुलर एस्केलरेशन, पढ़ा है पिछले वीडियो में मैंने बताया है, A is equals to R alpha, so m R A की जगह R alpha, tau is equals to mr square into alpha, tau is equals to mr square into l, कुछ समझ में आ रहा है? मैंने कहा फोर्स की इक्वेशन f is equals to ma, कोई दिक्कत नहीं, r r से मल्टीप्लाई किया कोई दिक्कत नहीं, r into f टॉर्क कोई दिक्कत नहीं, लीनियर एस्केलरेशन इज इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर एस्केलरेशन, सही है, mr स्क्वायर अल्फा, और भैया फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एस्केलरेशन, मैंने बोला था फोर्स की जगह कौन आया है, टॉर्क, लीनियर एस्केलरेशन की जगह कौन आया है, एंगुलर एस्केलरेशन, पढ़ाऊंगा नहीं, बस तुमको याद दिला रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर कहां पे जा रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एस्केलरेशन की जगह एंगुलर एस्केलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क, और मास की जगह एम आर स्क्वेयर जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह
mr स्क्वायर जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जो रोल लीनियर सिस्टम में मास का है वही रोल एंगुलर सिस्टम में mr स्क्वायर या आई कहने वाले टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ में देखेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी